हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं देश के भाई भाई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का। बनाया किसने? कुछ लोग कह रहे हैं कि देश जो है हिंदू राज से चलेगा, बुलडोजर बाबा से चलेगा। आपको क्या लगता है किससे चलेगा? मैम, देश जैसा चलाए वैसे ही चलना चाहिए। संविधान में सबका अधिकार है, सबका राइट है, और उसी राइट से चलना चाहिए। ये देश केवल हिंदुओं ने नहीं आजाद किया था, मैं खुद हिंदू आदमी हूँ, मैं वो बात नहीं करता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपनी जान दी थी, तब जाके देश आजाद हुआ था। अम्बेडकर को जानती, क्या किया अम्बेडकर ने? शिक्षा को आगे बढ़ाया। अम्बेडकर को मानती हैं? हाँ, मानती हूँ। 12वीं के अंदर सब बच्चे पास आउट होते हैं, सब वही किरोड़ीमल कॉलेज में जाना चाहते हैं, हंसराज कॉलेज में जाना चाहते हैं। कोई एक नया कॉलेज बना, कोई एक नई यूनिवर्सिटी बनी। एक आदमी कभी देश को नहीं चला सकता, वो मोदी हो, अदानी हो, व्हाटएवर कोई भी हो, कोई भी देश को अकेले नहीं चला सकता, सबका साथ चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग हैं और यहाँ पे सारे लोग गुट बना के रहते हैं। यहाँ पे मोदी, हिंदू राष्ट्र। हम लोग सवाल इतना कर रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर को आप जानते हैं कि नहीं? संविधान से देश चल रहा है या नहीं? तो ये लोग बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, कभी अदानी कभी मोदी। क्या आप अम्बेडकर को जानती हैं? अम्बेडकर को जानती, क्या किया अम्बेडकर ने? शिक्षा को आगे बढ़ाया। अम्बेडकर को मानती हैं? हाँ, मानती हूँ। अभी 14 अप्रैल को उनकी जयंती होने वाली है। हाँ। क्या कहेंगे? शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही कहेंगे। क्या कहेंगे अम्बेडकर के बारे में? हम कुछ नहीं कहेंगे वैसे अम्बेडकर जयंती के बारे में। अभी सबसे पहली बात तो है कि 14 अप्रैल को बी.आर. अंबेडकर की जयंती है जी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देश जो है हिंदू राज से चलेगा, बुलडोजर बाबा से चलेगा। आपको क्या लगता है किससे चलेगा? मैम, देश जैसा चलाए वैसे ही चलना चाहिए। संविधान में सबका अधिकार है, सबका राइट है, और उसी राइट से चलना चाहिए। ये देश केवल हिंदुओं ने नहीं आजाद किया था, मैं खुद हिंदू आदमी हूँ, मैं वो बात नहीं करता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपनी जान दी थी, तब जाके देश आजाद हुआ था। तो सबका सबका राइट है। तो रही बात हिंदुज्म की, तो हिंदुज्म के बारे में बोलने वाले वो चंद लोग हैं जो देश को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। देश को देश की तरीके से नहीं, संविधान के तरीके से नहीं, सबके राइट को वो देना नहीं चाहते। वो राइट वही रखना चाहते हैं, अगर उनके हित में है तो वो राइट सही है, अगर वो उसके हित में नहीं है तो वो राइट गलत है। तो अगर राइट की बात की जाए तो राइट सबका होना चाहिए, सबका समान अधिकार होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं देश के भाई भाई, ये राणा सबके पास। कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व है वो खतरे में है। हिंदुत्व कोई खतरे में नहीं है, ये सिर्फ वो लोग खतरे में हैं जिनको ये पता है कि जब तक उन्होंने इन लोगों को मेंटली वॉश नहीं किया तो उनका देश पर राज कभी नहीं होगा। इसीलिए वो लोगों को भड़का रहे हैं, गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं तुम मुस्लिम देश बन जाओगे, तुम्हारा समाज खत्म हो जाएगा, तुम सब लोगों को इकट्ठा करो, मुस्लिमों को मारो या किसी को भी मारो और एक आतंकवाद क्रिएट करो। आपने अफगानिस्तान देखो और भी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, सब में यही हुआ है। आप किसी की साइको मेंटालिटी को प्रमोट मत करो। साइको मेंटालिटी क्या है कि हिंदू राष्ट्र क्या है? आज किसी के राइट का कोई नुकसान हो रहा है क्या? किसी का हो रहा है तो सारे राइट हैं। मैंने मोदी सरकार में देखा है, आरटीजीएस डालो तो रिप्लाई नहीं मिलता, और कुछ मोदी सरकार पे बोल दो तो सामने से बोला जाता है कि तेरा घर कहाँ है, तू पड़ोसी क्यों लाते, क्या गुंडागर्दी बुलडोजर पे घर तोड़ दे रहे। देखा जाए तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हमारे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में राइट सबको है। लेकिन अगर आप राइट सबको ये चीज़ कह के दोगे कि सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी हिंदू राष्ट्र, या फिर उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, तो फिर वो एक प्रकार की गुंडागर्दी हो जाएगी, वन साइडेड डेमोक्रेसी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में? मैम, लोकतंत्र के बारे में देखो, खतरे में नहीं है मैम, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोगों की सोच खतरे में है। आप एक आदमी कभी देश को नहीं चला सकता, वो मोदी हो, अदानी हो, व्हाटएवर कोई भी हो, कोई भी देश को अकेले नहीं चला सकता, सबका साथ चाहिए। और सबके साथ में सब भाई आते हैं, सब भाई बहन वगैरह आते हैं। तो आप ये समझ लो कि सिर्फ हिंदू देश को चलाएंगे तो गलत है। केवल अम्बेडकर ने जो किया वो अच्छा किया, बिल्कुल सही किया है। अगर आरक्षण दिया है दलितों को क्यों आरक्षण देना चाहिए? मैम एक बात सुनिए, एक मिनट मैम, देखिए इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनो, अगर किसी को नहीं पता तो मैं क्लियर कर दूं, आरक्षण जब दिया गया था भीमराव अम्बेडकर की तरफ से 10 साल के लिए दिया गया था। कोई भी नेता जब देश में प्रधानमंत्री चुना जाता है वो उसको 10 साल के बाद खत्म कर सकता था। अपनी वोट बैंक बचाने के लिए उसने 10 साल को 20 साल किया, 20 साल को 30 साल किया। आज वो तुमको बताते हैं कि तुम आरक्षण ले रहे हो तो तुम्हारे गलत मिल रहा है। गलत कैसे मिल रहा है? तुम्हारे हाथ में पावर है, वोटो पावर है, 2 मिनट में डिलीट करो उस चीज को।
मतलब वोट के लिए ये लोग वोट के लिए वो खुद खेलते हैं और हम लोगों को पागल बनाते हैं। संविधान उठा के देखो, अगर इंसानियत चाहिए तो संविधान उठा के देखिए। 10 साल के लिए उन्होंने किया था, क्यों? क्योंकि देश बहुत गरीबी से निकला था और हमारा जो दलित वर्ग था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। आज समान स्थिति है, 10 साल के बाद समान स्थिति आ चुकी थी और उस समय चाहते तो इसको आरक्षण को खत्म किया जा सकता था, पर नहीं किया गया। आपको राम मंदिर भी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए और सब। नहीं, सुनिए, राम मंदिर आस्था से जुड़ा है। आस्था को आप वोट बैंक नहीं बना सकते। किसी के माँ बाप के नाम पे आप बोले मैंने तेरे माँ बाप का घर बना दिया तो मुझे वोट दे दे, तो माँ बाप तो बेटा तेरे भी हैं, तो उस नाम पे तो वोट कैसे मांग सकता है? नंबर वन, मुस्लिमों का अगर कहीं मस्जिद बनती है, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, सिंपल बोल रहा हूँ, मोदी सरकार ने बहुत गलत किया। कोई मुस्लिम का घर बनता है, आज तक मैंने किसी मुस्लिम नेता को नहीं देखा मस्जिद बना दिया मुझे वोट दो। वो सैनिक मरते हैं, मैंने मेरी वजह से मर गए थे, मैंने उनको बचा लिया, मेरे को वोट दे दो। कोई देश में मंदिर बना दिया मुझे वोट दे दो, ये चीज गलत है। मतलब आपको वोट लेना है तो अपने काम पे लीजिए, ना कि लोगों आप लोग पे लीजिए। मैम देखिए, सिंपल सी बात है, मैं टीचर हूँ, मैं डेवलपमेंट के ऊपर बात करता हूँ। कितने 2014 में इनकी सरकार आई थी, 2013-14 के अंदर सरकार आई थी एंड आज 2023 चल रहा है, 10 साल होने को है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने नए कॉलेज बने? कोई बना कोई कॉलेज? वही बच्चा 12th पास आउट होता है। हर एक स्कूल के अंदर दिल्ली में 16,000 के आसपास स्कूल्स होंगे, ऑलमोस्ट कितने स्कूल्स होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्कूल्स भी होंगे। 12वीं के अंदर सब बच्चे पास आउट होते हैं, सब वही किरोड़ीमल कॉलेज में जाना चाहते हैं, हंसराज कॉलेज में जाना चाहते हैं। कोई एक नया कॉलेज बना? कोई एक नई यूनिवर्सिटी बनी? कोई एक नया डिपार्टमेंट बना? सारे के सारे जहां से लड़ाई झगड़ा होता है JNU को टारगेट करते हैं। JNU के अंदर एडमिशन लेने के लिए किसी बच्चे की रैंकिंग नहीं आ रही, परसेंटेज नहीं आ रही, डेवलपमेंट के ऊपर कहां काम हो रहा है? अभी सबसे आखिरी सवाल ये है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती है, सब लोग बहुत खुश है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है उनके बारे में, इस पे आप क्या कहेंगे? मैम, भीमराव अंबेडकर जी ने जो उनकी जयंती है उसको हम सबको मान्यता देनी चाहिए और सम्मान के साथ देना चाहिए। उस आदमी ने अकेले वो संविधान बनाया है जो आज तक लोगों के संग हित में है, किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है। अगर वो चाहते तो दलितों के नाम पे ही पूरा आरक्षण बना देते, तब क्या कर लेते हम? तब वोट सबसे हमको ये देखना चाहिए। उस इंसान ने आदमी, औरत, इंसान, धर्म, जाति सबको बराबर रखा था और उनके खुद के साथ बहुत बुरा हुआ था पूरी जिंदगी, ठीक है? तो बहुत ने बुरा किया था, सबने किया था। मैम, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का। बनाया किसने? आज उनके हम जयंती के लिए अगर हम ये चीज़ भी हम बोले नहीं जी वोट बैंकिंग के लिए करेंगे, तो फिर आप ये जानते हो डिक्टेटरशिप है। आपके सामने आपका जवाब है। तो आपने देखा तमाम लोगों से हम लोगों ने बात की, कुछ कह रहे हैं संविधान से देश चलेगा और कुछ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए। आपकी इस पूरी खबर भी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।